हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल डिविनिटी टैरोस एक्सपर्ट ट्रूथ ऑलवेज एक्सपोजेस डार्कनेस। तो कैसे हैं सब लोग? आई होप एवरीवन इज फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ योर हेल्थ। तो आज का जो टॉपिक है गाइस, वो है कि क्या ऐसा आपकी ज़िंदगी में आने वाला है डेफिनेटली जो आपने सोचा भी नहीं होगा। तो डेफिनेटली इट विल बी अ टाइमलेस कलेक्टिव फॉर ऑल साइंस एंड इट विल बी अ जेंडर न्यूट्रल रीडिंग गाइस। मेल फीमेल सभी लोगों के लिए है, बट दिस इज अ जनरल प्रेडिक्शन। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें। इंस्टाग्राम का जो आईडी है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया हुआ रहेगा। यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई अनदर चैनल। सो लेट्स स्टार्ट इट। पहली बात तो है, हम आपके जो करेंट सिचुएशन है, करेंट हालात है, उसको समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद क्या आने वाला है जो शायद आपने सोचा भी नहीं होगा, उसको भी हम देखेंगे। एंड डेफिनेटली लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे और हम क्यूब से भी थोड़ा बहुत क्लैरिफिकेशन लेंगे, ठीक है? सो लास्ट तक रीडिंग को देखिएगा प्लीज़, और क्लेम कीजिएगा यूनिवर्स से, बोलिए कि यूनिवर्स डू द बेस्ट फॉर एवरीवन। तो चलो हम अभी तो देख लेते हैं कि आपके करेंट सिचुएशन किस तरह से जा रहे हैं, आपके वर्तमान हालात किस तरह से है, एंड उसके बाद हम देखेंगे दूसरे डेक से कि क्या आने वाला है जो शायद आपने सोचा भी नहीं होगा। सो यूनिवर्स प्लीज़ बताइए कि मेरे जो व्यूअर्स हैं जो इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनके करेंट सिचुएशन किस तरह से है। गाइस ये टाइमलेस रीडिंग है, ये याद ज़रूर रहिएगा। व्यूअर्स प्लीज़ बताइए कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में अभी फ़िलहाल क्या सिचुएशन है, क्या करेंट हालात है, प्लीज़ बताइए यूनिवर्स। ग्रोथ, क्वेस्ट, आइसोलेशन, विजडम, प्रेयर, ग्रेटिट्यूड, परसिवरेंस। ओके, आपके जोडियक साइंस या मून साइंस, सन साइन, ठीक है, हो सकते हैं कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कर्क वृश्चिक, मीन राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। बाकी साइंस भी हम देख लेंगे यहाँ से, और एक्वेरियस, जेमिनी, लीब्रा, कुंभ, मिथुन, तुला राशि भी है, ठीक है। एंड डेफिनेटली मुझे इस तरह से सिचुएशन पहले मैं आपको बता देती हूँ, बहुत कुछ आप एट ए टाइम सहन कर रहे हो, बहुत ज़्यादा ही सहन कर रहे हो इस वक्त। एंड डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए आप डेफिनेटली गाइडेंस ले रहे हो किसी से, आपको ज्ञान अवश्य मिल रहा है, ऐसा नो डाउट, ठीक है। एंड डेफिनेटली आप अपने लाइफ में तरक्की चाहते हो, और ऐसा आपको यूनिवर्स से पूछना है कि मेरा जो सक्सेसफुल समय है ये कब तक आएगा, मतलब एक लिमिट तो होना चाहिए ना कि ये कब तक होगा, ठीक है। आप जिस रास्ते पे जा रहे हो, ठीक है, वो क्या सही रास्ता है, इसको लेके भी आपका एक कन्फ्यूजन है। दूसरा चीज़ है कि लोग आपको जितना, ठीक है, आपसे लिए है उतना आपको हेल्प नहीं किए है। तो आपने क्या किया, आपने यूनिवर्स से ही हेल्प मांगा है हमेशा कि यूनिवर्स प्लीज़ मेरा हेल्प कर दीजिए, मेरा हेल्प करने वाला कोई भी नहीं है। इवन कुछ बातें भी ऐसे हैं जो शायद आप अपने आप से भी, ठीक है, मतलब अपने लोगों से भी शायद आप नहीं कह पाए। कुछ लोग डेफिनेटली आपके ज़िंदगी में आने वाले हैं, मैं अभी से आपको बता रही हूँ। आपके जो मनोकामना है, आपके जो विशेष है गाइस, आपके जो इच्छाएं है, वो ज़रूर सफलता प्राप्ति होगी। थोड़ा सा सहन करने की ज़रूरत है और कुछ नहीं। आपको यूनिवर्स जो है ना, मुझे यहाँ पे दिख रहा है, आपको ज्ञान दे रहा है। ये जो आप सहन कर रहे हो ना बहुत कुछ ऑल एट ए टाइम, यू आर अलाउविंग योर सेल्फ, ठीक है, उससे मुझे दिख रहा है इट्स लाइक अ हार्मिट कार्ड। ये जो कार्ड है ना, मुझे इस तरह से दिख रहा है इट्स लाइक अ हार्मिट कार्ड, कि जहाँ पे आपका ज्ञान जो है, ठीक है, बढ़ते ही जा रहा है। बहुत सारे चीज़ आप ऑल एट ए टाइम देख रहे हो। मे बी आप बहुत ज़्यादा यंग हो, ठीक है, एंड डेफिनेटली इस समय पे शायद आपको इतना ज़्यादा तजुर्बा हो रहा है, वही आपके लिए बहुत बेहतरीन है, क्योंकि ये तजुर्बा आपको बहुत दूर तक, आगे तक लेके जाएगा। और हर चुनौती के सामने आप कभी भी फेलियर नहीं होंगे, आपका तरक्की निश्चित है।
बट एक चीज मुझे यहाँ पे दिख रहा है ऑन द नेगेटिव साइड, आप किसी के साथ शायद अभी इस वक्त बात करना नहीं चाहते हो, या किसी ने आपको कॉर्नर कर दिया है, मे बी आपके कलीग्स, मे बी आपके बॉस, या कोई भी आपके पार्टनर भी हो सकता है कि आप अभी अपने आप को बहुत ज़्यादा अकेला महसूस कर रहे हो, और यही अकेलापन आपको बहुत ज़्यादा दर्द दे रहा है अंदर से। आप ऐसा भी मांग रहे हो यूनिवर्स से कि मेरे पास ऐसा क्यों दर्द है, मैंने जब लोगों को सहारा देना था मैंने दिया, तो मुझे क्यों नहीं मिल रहा है वो चीज़। ठीक है, दूसरा चीज़ जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, शायद आपके पेरेंट्स भी आपको मनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपको लग रहा है कि ज़िंदगी में आप ही के साथ क्यों और क्यों ऐसा इनजस्टिस होता है, ऐसा मतलब इंसाफ क्यों नहीं होता। बिल्कुल, आप तो हमेशा लोगों के साथ इक्वालिटी करते रहे हो, कभी भी बायस्ड नहीं हुए हो, लेकिन आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आपका कुछ ग्रजेस है, ग्रीवेंसेस भी है, मैं देख पा रही हूँ, गुस्सा भी है। इवन आपको लग रहा है हमेशा आप जब भी तरक्की करने जाते हो तो कोई पीछे से आपको बैक स्टेप कर देता है, या कुछ ऐसा रुकावट करने की कोशिश करता है इंटेंशनली, जो आपके कदम को रोक देते हैं। ठीक है, हो सकता है कि आप इस वक्त प्रेग्नेंट हो, मे बी यू आर लाइक दैट, और यू आर फेसिंग सर्टेन इशूज, बट हेल्थ इश्यूज में भी शायद आप फेस कर रहे हो। ठीक है, कुछ लोगों का हाई बीपी मुझे यहाँ पे दिख रहा है, या नहीं खाने के वजह से आपका हेल्थ बहुत ज़्यादा डिटोरिएट हो रहा है। ठीक है, वैसा मत करना आप लोग, प्लीज़ टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। ठीक है, वरना एजिंग हो जाएगा, मैं आपको बोल रही हूँ। ठीक है, वरना एजिंग हो जाएगा। अभी देखते हैं ऐसा क्या आने वाला है आपकी ज़िंदगी में, जो डेफिनेटली आप उससे अनजान है। सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन, कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऐसा क्या आने वाला है जिससे बिल्कुल वो अनजान है, जिससे बिल्कुल वो अनजान है, जिससे बिल्कुल वो अनजान है। ओके, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइन ऑफ वैंड्स, सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स, द स्टार कार्ड, फाइव ऑफ कप्स, द जजमेंट, थ्री ऑफ पेंटिकल्स। ओके, बहुत अच्छा आ रहा है कार्ड्स में, लेकिन जो आ रहा है, जो नेगेटिव भी आ रहा है, उसको भी मैं बयां करना चाहूँगी। देखो, आपके साइंस फिर से मैं बता देती हूँ, एक्वेरियस, जेमिनाई, लीब्रा, एयर साइन, कुंभ, मिथुन, तुला राशि। एक्वेरियस कुंभ राशि, ठीक है, एरीज एंड स्कॉर्पियो, मेष और वृश्चिक राशि, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, वृश्चिक, मीन और कर्क राशि, एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि। यहाँ पे है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। तो ऑल द साइंस आर देयर, 10, 10, 10 इज़ वेरी फ्रिक्वेंट। ठीक है, आपको काफ़ी बार देख सकता है, 17 नंबर, 9 नंबर, 5 नंबर, 20 नंबर एंड 7 नंबर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो 27, 17, 9 एंड 3 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बेसिकली सुनो, जो मैं आपको बोल रही थी, आप ऐसा सोच रहे होंगे और इन फ्यूचर भी ऐसा सोचोगे कि आपने अपने रीजन के वजह से, ठीक है, किसी बहुत बड़े मौके को आपने खो दिया। ऐसा आप नहीं करना, बिल्कुल। ठीक है, आपको हो सकता है जो प्रीवियस जो आपका समय गया है वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा नॉन कमिटल रिलेशनशिप्स आपने फेस किया, बहुत ज़्यादा। इवन आप जिस कंपनी के लिए भी काम किए हैं, जिस किसी के लिए भी काम किए हैं, चाहे अपने फैमिली के लिए भी आपने किया है, उन्होंने रिटर्न आपको नहीं दिया। बट यूनिवर्स एक मतलब एक ऐसी कॉस्मिक जगह है जहाँ पे आपको रिटर्न्स मिलेगा ही मिलेगा, बिकॉज व्हाट यू हैड डन यू हैड डेफिनेटली यू आर गोइंग टू रिसीव दैट। ठीक है, जिस तरह से बोला जाता है कि आपने अपॉर्चुनिटीज़ तो खोए, लेकिन यूनिवर्स आपके लिए फिर से एक नए मौका आपको दे रहे हैं। आपकी लाइफ जो है ना, यहाँ पे देखो,
यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे सारे आप कॉफिन देख रहे हो या कब्रिस्तान आप देख रहे हो। यहाँ पे जो भी सोल्स है, ठीक है, जो भी आत्माएं हैं यहाँ पे, उनकी लाइफ ऑलरेडी, वो उनके जो शरीर है वो ऑलरेडी एंड हो चुका है। ये उनकी सोल्स है, राइट। यहाँ पे जजमेंट इज अगेन अ रीबर्थ कार्ड। कहीं ना कहीं पे देखो फिर से ये लोग जाग रहे हैं, राइट। तो आपकी जिंदगी जो जिसने भी खत्म कर दिया, जिसने भी बर्बाद कर दिया, जो भी हुआ है आपके साथ, आपको पता है। देखो अपना दर्द जो है ना, लोग अपने से नहीं शेयर करते हैं, ठीक है, और शेयर नहीं भी करना चाहिए। जो लोग बहुत ज़्यादा, मतलब आपको लगता है कि नहीं मुझे इनको बोल के अच्छा है, मतलब ऐसा भी हुआ है पास में, आपने जिनको भी अपना दर्द बोला है उसने खुद फ़ायदा लिया है आपसे, ठीक है। यहाँ पे जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, कुछ रीबर्थ हो सकता है कनेक्शन में, ठीक है, हो सकता है रिकन्सिलिएशन हो, रीयूनियन हो, या एक न्यू कनेक्शन आपके लिए आ रहा है। आपकी किस्मत में अच्छा लिखा है एंड दैट इज डेफिनेट। आप पहले जो इमोशंस के साथ डील किया करते थे, आप फुल्ली बैलेंस्ड होंगे एंड डेफिनेटली आपके जो हार्ड एक्सटीरियर साइड होगा, मतलब आप अपने आप को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग पाओगे, स्ट्रांग महसूस करोगे एंड फियरलेस। आप ज्ञान अर्जित करोगे जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए हाईली पेड जॉब्स, ठीक है, एंड डेफिनेटली इंसेंटिव्स, प्रमोशंस इस तरह से आ रहे हैं, जो एक ना एक दिन आप किसी के वजह से कॉम्प्रोमाइज़ किए थे, सेक्रीफाइस किए थे, कुर्बान किए थे, वो चीज़ हो रहा है। कुछ नया आइडियाज़ आपके मन में आ रहे हैं, न्यू आइडियाज़ आर कमिंग एंड डेफिनेटली यू आर गोइंग टू सेट अप। बहुत सारे फ़ोन कॉल्स, बहुत ज़्यादा लोगों के साथ बातचीत करना, ये सब लिखा गया है। इन फ्यूचर यू विल बी फेसिंग, शायद आपको पता भी नहीं होगा, आने वाले समय में आपके डेस्क में काफ़ी ज़्यादा फाइल्स होंगे एंड रिपीटेडली आप फ़ोन कॉल्स भी करोगे, ठीक है। आपको मतलब फुर्सत ही कम मिलेगा और आप भूल जाओगे जो भी दर्द आपके साथ हुआ था। आप अपने आप को बिजी रखोगे काम में एंड डेफिनेटली यू विल बी अचीविंग द हाईएस्ट पोजीशन। आप खुद को भी हील कर लोगे पास्ट चीज़ों से, ठीक है। एंड डेफिनेटली अगर आप कनेक्शन की बात करें तो यहाँ पे मुझे रीबर्थ दिखाई दे रहा है कनेक्शन में। लॉस्ट अपॉर्चुनिटीज आते हुए दिखाई दे रहा है। डोर्स, जो दरवाजे हैं, वो खुलते हुए नजर में आ रहे हैं। आप सोचोगे कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मुझे बहुत ज़्यादा चुनौती फेस करना पड़ रहा है, ठीक है। शायद आप अपने परिवार के साथ भी बहुत कुछ झेल रहे हो इस वक्त, लेकिन वो सब गायब होगा, दैट विल बी वैनिश्ड फ्रॉम योर लाइफ, ठीक है। बट वो आप ही के वजह से, आपके इनिशिएटिव के वजह से, आपके फियरलेस स्टैमिना पर्सनैलिटी के वजह से, खुद को बदलने के वजह से, ये सब चीज़ आ रही है जो शायद आप नहीं देख पा रहे हो या नहीं बिलीव कर पा रहे हो कि ऐसा भी हो सकता है। मैं अपना यहाँ पे जो दर्द आपने झेला है ना, उसका अंत हो रहा, द एंड ऑफ योर पेन एंड सॉरोज, ऑफ कोर्स इट्स देयर, ठीक है, ओके। लाइट आपकी तरफ आ रहा है ना, रोशनी आपकी तरफ आ रहा है, तो आपको कोई डरने का ही ज़रूरत नहीं है। किसी किसी के लिए ओवरसीज ट्रैवल करना, किसी किसी के लिए लोगों के साथ अपॉइंटमेंट फिक्स होना, फिक्स होने के बाद सब कुछ सही हो जाना। सो लेट मी सी व्हाट्स द गाइडेंस फॉर यू गाइस, उसके बाद हम क्यूब्स देखेंगे। पता नहीं फ़ोन कॉल्स का अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, सो इट कैन बी देयर फॉर यू। बहुत अच्छा एक फ़ोन कॉल आएगा आपके लिए, मैसेज या टेक्स्ट आएगा या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बात करोगे आप। डिग्निटी, देखो विद द डिग्निटी देर इज़ अ किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, प्रेस्टीज, पावर, लोग आपके नीचे काम करने के लिए रेडी होंगे। अगर आप कुछ नया स्टार्टअप कर रहे हो या अगर आप बॉस हो कोई कंपनी का, मे बी दे विल बी ईगर टू हेल्प यू, और काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट भी कर रहे हैं, और आप अपने डिग्निटी के साथ जियोगे। क्लोजनेस, किसी के साथ रिश्ता आगे बढ़ने का बहुत ज़्यादा चांसेस है। योर यूनिकॉर्न इज़ वेरी क्लोज टू यू। यहाँ पे है जीसस क्राइस्ट खुद आए हैं, 44 एंजल नंबर, ओपन द डोर टू द किंगडम ऑफ हेवन। अभी मैं बोल रही थी कुछ नए मौके आपके लिए फिर से खुल रहे हैं, ठीक है। वो डिवाइनली गाइडेड होगा, वो चीज़ डिवाइन से होगा। आर्क एंजल रफायल एंड जीसस क्राइस्ट हैव कम, हीलिंग एंड अबंडेंस आर कमिंग टू यू। मैंने आपको क्या बताया, जो पेन आपको हो रहा था, जिस दर्द को आप झेल नहीं पा रहे थे, उसका द एंड हो रहा है, ठीक है। बॉटम ऑफ द कार्ड वी डू हैव द आर्क एंजल यूरियल,
बिकम अ पीस एम्बेसडर, डेफिनेटली शांति आपकी जिंदगी में आ रहा है। यहाँ से हम देख लेते हैं गाइस, ओके सो ऑफ कोर्स डिफिकल्ट टाइम आपके लिए ओवर होगा, एक नया देखो आप खुद कदम बढ़ाओगे एक नई भविष्य की तरफ। ऑफ कोर्स सोलमेट कनेक्शन हो सकता है कि आप किसी एस्ट्रोलॉजर से या किसी से भी अपना हाथ चेक कराओ, मे बी आप कराओगे भी, मे बी एन न्यूमरोलॉजिस्ट, मे बी एन एस्ट्रोलॉजर, मे बी समवन, या हो सकता है आप अपने किस्मत के ऊपर काफ़ी ज़्यादा डिपेंड हो जाओ, ठीक है, और आप इस चीज़ में और ज़्यादा इंटरेस्ट लो। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि यस आफ्टर द मॉनसून सीजन, बारिश के समय के बाद, चाहे आप कभी भी देख रहे हो, उसके बाद एक न्यू ग्रोथ, एक न्यू लाइफ आपकी तरफ आ रहे हैं एंड डेफिनेटली क्लोजनेस बढ़ रहा है जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है। एंड कुछ लोग यहाँ पे ट्रैवल डेफिनेटली करने वाले हैं। ओके सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग गाइज, आई होप यू लाइक इट एंड आई थिंक सो इट इज़ वेरी क्लियर, आपके लिए क्लियर हुआ है वो चीज़। सो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें एंड कीप वॉचिंग डिविनिटी टैरोस, एक्सपेक्ट ट्रूथ, ऑलवेज एक्सपोजेस डार्कनेस एंड विल एक्सपोज डार्कनेस। थैंक यू गाइज एंड लव यू अ लॉट, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।